गाइस, माय नेम इज अंकित चौधरी और आप मुझे फिर से देख रहे हैं हंगरी टिप 90 पे। कई सालों से ट्रैवलर्स एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हुए गए और ऐसे ही चाइना से जो ट्रैवलर इंडिया आए वो अपने साथ चाइनीज़ कुछ डिशेस ऐसी लेके आए जो यहाँ की होके रह गई हैं और हमने उनको बहुत पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और उसके अपने नए वर्जन्स बना दिए गए हैं। ऐसे ही हम एक नए फूड जॉइंट पे हम आए हैं जिन्होंने चाइनीज़ डिशेस को एक नया इनोवेशन दिया है, नए तरीके से वो पेश कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ये चीज़ दूसरे शहरों में भी ट्राई करी होंगी लेकिन ये बरेली में अभी एक साल हुआ है इस आउटलेट को खुले हुए और ये सर्व कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस मोमोज जो तंदूरी हैं। सो ऐसे ही मोमोज के कुछ नई डिशेस ट्राई करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, जिसका नाम है किंगडम ऑफ मोमोज। चिकन, पनीर, वेज की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज भी हैं। आई नो कि अभी टाइम ऐसा चल रहा है कोरोना का, कोविड का, जिसमें लोग बहुत परेशान हैं और चाइना को बहुत सारी गालियाँ दे रहे हैं। उनके मेंटेलिटी चाइना के लिए बहुत कुछ बदल गई है लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इंडिया वाले वो चाइना से वो रिलेशन है वो तोड़ नहीं सकते, वो है खाने का। इंडो चाइनीज़ जो एक फॉर्म है डिश की, पूरे देश में चाहे नॉर्थ से साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब जगह मिलती है और सब इसके फ़ैन हैं। ना ही मोमोज इंडियन है ना ही तंदूर इंडियन है लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो डिश है आज वो हम इंडिया में अपने ही बरेली में ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कितना डिलीशियस ये कॉम्बिनेशन बैठता है। अभी तक ऑल ओवर इंडिया इनके 27 स्टोर्स हो चुके हैं और विद अ ग्रेट पेस दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और प्लस पॉइंट मुझे क्या लगा था कि यहाँ पे बेसिकली बरेली में स्टीम मोमोज, फ्राइड मोमोज सबने खाए हुए हैं लेकिन तंदूरी मोमोज अभी तक यहाँ पे लॉन्च नहीं हुए थे, तो आई वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च तंदूरी मोमोज ओवर हियर। और पाँच मैं जॉब में था लेकिन शुरू से दिमाग में यही था कि कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करना है, खुद का करना है। तो दैट्स वाई अभी एक छोटा सा वेंचर लेके मैंने ये खोला है ताकि एक्सपीरियंस हो जाए मुझे बिजनेस लाइन का और उसके बाद कुछ बरेली को और कुछ बढ़िया कुछ सर्व कराएंगे। मोमोज के अलावा वी हैव नूडल्स अराउंड 10-12 वेराइटीज़, राइस है 10-12 वेराइटीज़ में, स्टार्टर्स की रेंज मेरे पास कम से कम 30-35 वेराइटीज़ हैं। उसके अपार्ट तिब्बतन डिश है थुक्का, वो हम लोग ऑफर करते हैं, चॉपसी है, फिर तंदूरी आइटम्स में बहुत कुछ है, चाप है, पनीर टिक्का है, चिकन टिक्का, फिश फिंगर मैं ऑफर कर रहा हूँ, फिश फिंगर एज़ पर माई नॉलेज बरेली में कोई ऑफर नहीं कर रहा, कोई भी सर्व नहीं कर रहा, कभी आप टेस्ट करके देखो यहाँ, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। हमारी लोकेशन है राजेंद्र नगर शील चौराहा, शील चौराहा मेरे ख्याल से बरेली में सब हर कोई किसी को जानता है, और बिल्कुल शील चौराहे से जब ऑन द वे होंगे हम जब सिलेक्शन पॉइंट की तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड पर शेर पंजाब के पड़ोस में हमारा आउटलेट है किंगडम ऑफ मोमोज के नाम से। और बेसिकली ये दिल्ली की एक फ्रेंचाइजी, बरेली में स्टीम मोमोज, फ्राइड मोमोज सबने खाए हुए हैं लेकिन तंदूरी मोमोज अभी तक यहाँ पे लॉन्च नहीं हुए थे, तो आई वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च तंदूरी मोमोज ओवर हियर। और पांच फ्लेवर्स में ऑफर है, रेगुलर अचारी, पुदीना, अफगानी, क्रीमी अफगानी, और सबका ही टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। उसके अपार्ट हमारे पास कुछ स्पेशल वेराइटी के मोमोज हैं, क्रंची मोमोज और ग्रेवी मोमोज, ये भी बरेली में कहीं ऑफर नहीं हो रहे हैं, तो इनका भी टेस्ट नो डाउट बहुत अमेजिंग है। मोमोज से ही ट्राई करते हैं ना, तो सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं क्रीमी अफगानी मोमोज, ठीक है। इनकी स्टफिंग मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार को, चिकन है इनकी स्टफिंग और चिकन भी बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट एड सम सॉस टू इट। जो क्रंचीनेस होनी चाहिए वो है और चिकन बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं इसको एक बार रेड सॉस के साथ और ट्राई करूँगा, देखिए कितना अच्छा क्रीमी है।
पता नहीं कितना स्पाइसी होने वाला है। बहुत स्पाइसी नहीं है, चटनी की ये खासियत है, जो मोमोज का टेस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, पूरा टेस्ट है। और दूसरा है, ये मैंने स्पेशली बोला है, मुझे बहुत पसंद है लेमन चिकन, और मेरी फरमाइश पे भैया ने बनाया है, तो मैं ऐसे ही बनाऊँ, ऐसे खाऊँगा। परफेक्ट, दिस इज़ परफेक्ट। बरेली में ढूंढ रहा था मैं परफेक्ट लेमन चिकन। जो चिली चिकन है उसको पहले फ्राई किया गया है, फिर पैनटॉस किया गया है मसालों के साथ और वेजीज के साथ, जस्ट परफेक्ट, अल्टीमेट टेस्ट। स्पाइसी नहीं है, बन गार्लिक की एक फ्लेवर आ रहा है जो बहुत इलेबोरेट कर रहा है, एनहांस कर रहा है इसके टेस्ट को। अमेजिंग, अमेजिंग। लेट मी ट्राई दिस विद मेयोनीज आल्सो। सो मेयोनीज के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऑसम, थम्स अप, मेरी तरफ से थम्स अप। नाउ द थर्ड वन, नूडल। ये बहुत सुंदर लग रहा है यार, ऊपर जो भैया ने गार्लिक छोटे छोटे पीसेस फ्राई करके बंद करके डाले। सो लेट मी जस्ट हैव इट। बड़ा बाइट लूंगा। बढ़िया, एक जो ये स्पाइसी था थोड़ा ये सेटल हुआ है, और मुझे इसके बाद ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना स्पाइसी नहीं है। एक शायद शेजवान का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, शेजवान जो चटनी इन्होंने ला ली है, सॉरी मैं ऐसे खा रहा हूँ। तो उसके बाद तो कोक पेन ही बनती है अल्टीमेट। लास्ट वन, कैमरा, जो हमारी कैमरामैन है उनके फेवरेट है नूडल्स, मैंने दो बाइट खा लिए हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है, ले बचा दिए तेरे लिए, ठीक है। जब पुदीना फ्लेवर मोमोज, ये पनीर के हैं, स्टफिंग बाद में दिखाऊंगा, पहले तो मैं इसे ऐसे ही खाऊंगा बिना किसी सॉस के, बिना किसी से। बिग साइज मोमो स्टफिंग पूरी तरीके से, अल्टीमेट। ऊपर से चाट मसाला डाला है ना, वो बहुत सही लग रहा है यार, क्या बात है। आउट ऑफ दिस माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज दिस, दिस इज द बेस्ट थिंग, एवरी वन शुड ट्राई, ये अल्टीमेट है। और मैंने अभी तक बरेली में तो कभी कहीं नहीं ट्राई किया। इसकी स्टफिंग दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, शो यू द स्टफिंग। पनीर है भरा हुआ, बहुत सही स्टफिंग, रेड सॉस, लेट्स सी कैसा लगता है। स्मूद है, मिंट का फ्लेवर है, स्पाइसी नहीं है। एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। लेमन चिकन के जो भी फैन है ना, जो भी दीवाने हैं, उनको ट्राई करना चाहिए बरेली में, बहुत ही फेमस एरिया है बरेली का, शील चौराहा उसके पास ही है, और शाम को आओ और बेहतरीन। चिकन आइटम अल्टीमेट, ये स्पाइसी है थोड़े, उसके बाद ये सटल है और टेस्ट यूनिक है। इसके बाद अब मैं खाना शुरू कर रहा हूँ, कैमरामैन रिकॉर्ड करते रहो, जब तक मैंने अब तो मैं खाऊंगा।
ओके आउट ऑफ फाइव, आउट ऑफ फाइव इट्स 4.4 फॉर मी, थम्स अप।